वेल गाइस, तो फाइनली WWE का हॉल ऑफ फेम इंडक्शन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर WWE के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन शो के ऊपर हमें यहां पर AEW का एक रेसलर WWE के शो पर देखने को मिला, जहां पर WWE के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन शो के ऊपर जब CM Punk बैक स्टेज पर उनका इंटरव्यू दे रहे थे तो सडनली यहां पर बैक स्टेज के ऊपर AEW सुपरस्टार कीथ ली अपीयर होते गए और वो यहां पर आज WWE के हॉल ऑफ फेम के ऊपर हमें यहां पर कैमराज के ऊपर देखने को मिलते गए, जिसके बाद के WWE के हॉल ऑफ फेम के ऊपर आज यहां पर ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स अरीना में अराइव होते गए और वो यहां पर पॉल हेविन को हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करते गए, जिसके बाद कि पॉल हेविन अरीना में आकर आज यहां पर टॉमी ड्रीमर आरबीडी और बुली रे से गले मिलते गए और ECW ओरिजिनल से मिलने के बाद पॉल हेविन यहां पर रोमन रिंग्स को हग करते हुए उनका जबरदस्त इमोशनल प्रोमो कट करते गए, जहां पर पॉल हेविन ECW के हिस्ट्री को लेकर बात करते गए और गाइस पॉल हेविन के काफी इमोशनल सेगमेंट के साथ आज यहां पर फाइनली पॉल हेविन हॉल ऑफ फेम बनते गए। बट गाइस यहां पर पॉल हेविन के बाद आज WWE के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन शो के ऊपर हमें यहां पर डेड मैन अंडरटेकर देखने को मिले, जहां पर आज WWE के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन शो के ऊपर दी अंडरटेकर मोहम्मद अली को इंडक्ट करते गए और गाइस अंडरटेकर की तरफ से मोहम्मद अली को लेकर काफी सारा इमोशनल बातें की जाती गए और गाइस यहां पर अंडरटेकर फाइनली लोनी अली को उनके हस्बैंड के लिए हॉल ऑफ फेम की अवार्ड देते गए, जिसके बाद की आज यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन अरीना में अराइव होते गए और वो यहां पर उनकी ग्रैंड मदर को हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करते हुए शो के ऊपर यहां पर उनका जबरदस्त प्रोमो कट करते गए, जिसके बाद कि आज हॉल ऑफ फेम की एंडिंग के ऊपर रॉक और कोडी के बीच में हीटेड कन्फ्रंटेशन होता है और रॉक यहां पर ये वादा करते गए कि वो रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स को उनकी औकात दिखाने वाले हैं।